हेलो उत्तरायण फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो। अगर आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए तो चलो लाइक से सब्सक्राइब आप लोग कर दो, अभी जाकर कमेंट कर दो। पिछला वीडियो तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि नहीं था। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा पिछला एपिसोड। तो पिछला एपिसोड में हमने कुल मिला के देखा होता है कि जोयान उन दोनों बीस्टों को मार देता है, जिन्हें मारने में जोयान को थोड़ा सा मेहनत पड़ती है, जिसके बाद जोयान उन दोनों की बॉडी को रखता है अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर और वहां से भाग जाता है, क्योंकि वहां पे जाग गया होता है उसके पप्पा, उससे पावरफुल बीस्ट जिसकी पावर थी 6 स्टार के पीक लेवल पर। जिंगबू चैन जोयान से पूछता है कि भाई इतना सरपट काहे भागे थे, जिस पे जोयान कहता है बेटा इसी बात है कि उससे अपन नहीं निपट सकते, उसके अटैक से अपन लोग 3 जन्म के लिए मर जाएंगे। जिससे जिंगबू चैन को भी पता चलता है कि बंदा काफी खतरनाक है। तभी जोयान कहता है लेकिन हमें उससे लड़ना है, जिस पे जिंगबू चैन भी हैरान होता है कि भाई तू कहना क्या चाहता है, एक तरफ तो तू उससे भाग रहा है फिर कह रहा है तुझे उससे लड़ना है। तो जोयान उसे समझाता है कि भाई उसका सेल चाहिए मुझे, वो मेरे जियो क्लैन को पावरफुल बनाने के लिए जरूरी है। जिसके बाद ये किसी की मदद के लिए निकलते हैं। निकलते हुए रास्ते में इन्हें एक जगह मिलती है जहाँ पे काफी सारे बंदे एक दूसरे को मारकर मर गए होते हैं, लेकिन जोयान समझ जाता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, एक बंदा तो जिंदा बचना चाहिए था, सारे एक साथ कैसे मर गए, कोई तो झोल है रे बाबा। इसीलिए जोयान उस जगह को स्कैन करता है और जोयान को पता चलता है कि यह हुनिंग ने किया है, जिसके बाद वो लोग काफी बौखला जाते हैं, लेकिन जोयान कहता है यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, सब माल मूल मटोरो और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद उन सभी लोगों ने सारे ही ट्रेजर्स को इकट्ठा कर लिया था और आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जिसके बाद अनगिनत दिन बीतते हैं, सूरज उगता है, अस्त होता है और ये लोग भागते हुए आखिरकार सेंटर की तरफ पहुंच गए होते हैं, जहाँ सेंटर में भी लाशें ही बिछी होती है और उनके दिल का किलिंग इंटेंट और अब बढ़ने लगा होता है। जिसके बाद मैं एपिसोड एंड कर देता हूँ। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। तो इस जगह को देखकर लोंगी सबसे ज्यादा हैरान होते हुए कहता है इस डेसोलेट एरिया को भरने के लिए न जाने कितने लोगों को मरना हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे हर जगह हड्डियां ही हड्डियां फैली हुई होती है। जिसपे जोयान कहता है ये ब्लड केव एक उम्मीद और एक ग्रेवयार्ड से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जैसे 4-स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर्स का ग्रेवयार्ड कहा जा सकता है। यहाँ सभी लोग मारे जाते हैं और कुछ ही लोग 5-स्टार पर ब्रेक थ्रू कर पाते हैं। और इसके बाद जैसे जोयान 5-हार्ट कहता है, 5-स्टार की बात करता है, तो तुरंत ही उसे पर्पल हार्ट टर्टल याद आ जाता है, क्योंकि उसे तो आप किसी भी हालत में मरना होगा। तभी जिंगबू चैन कहता है 5-स्टार के ऊपर ब्रेक थ्रू करना हमेशा से ही खून से भरा हुआ माहौल रहा है और ये इतना आसान कभी नहीं रहा, इसीलिए यहाँ पे जरा सा भी सॉफ्ट हार्टेड होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सॉफ्ट हार्टेड हुए तो इसका मतलब है कि तुम अपनी जान से हाथ धो दोगे। तो खुद को जिंदा रखने के लिए दूसरों को मारना जरूरी होता है, जिसपे जोयान भी अपना सिर हिलाता है। तभी जोयान कहता है लेकिन रेज ड्रैगन वास्तव में यहाँ पे नहीं है और कैओस इमॉर्टल भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। हालांकि तभी जोयान की नजर यहाँ से थोड़ा दूर पड़ जाती है, जो देखकर जोयान कहता है क्या वो कैओस इमॉर्टल है, और उसे एक छोटा सा ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा होता है। तभी जिंगबू चैन भी जोयान की नजरों को फॉलो करते हुए उसी डायरेक्शन पे देखता है, साथ ही वो ब्लैक डॉट देखने पे ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी खतरनाक फाइट में उलझा हुआ हो। साथ ही उसे आसानी से देखना वास्तव में आसान नहीं था, क्योंकि धुआं और धूल सभी की नजरों को धुंधला कर रहे होते हैं। तभी जोयान कहता है वास्तव में ये ब्लड पिलर या कि ब्लड फ्लोर मुझे थोड़ी सी घबराहट फील करा रहा है, मैं अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करने के लिए वास्तव में यह कैपेबल फील नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि वो कैओस इमॉर्टल ही होनी चाहिए, जोयान यहाँ कन्फर्म होता है। तभी जिंगबू चैन भी कहता है तुम सही कह रहे हो, उसके आसपास कोई भी नहीं है, तो इतना पावरफुल पर्सन केवल कैओस इमॉर्टल ही हो सकता है और कोई नहीं, चलो चलकर देख ही लेते हैं, वैसे भी हम यहाँ पे उसे ही तो ढूंढने के लिए आए हैं। जिसपे जोयान भी कहता है तुम सही कह रहे हो, और इसके बाद जोर से हंसते हुए वो तीनों के तीनों लोग उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद जोयान आगे जाते हुए कहता है वास्तव में हम जितना ज्यादा आगे जाते जा रहे हैं वहाँ का किलिंग इंटेंट और हमारे दिल में काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है कि हर कोई इसे आसानी से नहीं कंट्रोल कर पाएगा। जिसके बाद जोयान लिटिली की तरफ देखते हुए कहता है मुझे लगता है कि फ्यूचर में जरूर ही एक खतरनाक फाइट होगी, लिटिली मुझे अच्छे से पता है उस टाइम पे तुम मेरी बहुत मदद करोगे। दूसरी तरफ जिंगबू चैन भी जोयान की तारीफ करते हुए जोयान के पीछे पीछे सरपट भाग रहा होता है, साथ ही ये तीनों लोग अपनी फुल पावर के साथ उड़ रहे होते हैं और उस ब्लैक डॉट के नजदीक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जिसके बाद जब ये ध्यान से उस फिगर को देखते तो उसने नीले रंग की स्कर्ट पहनी हुई होती है, लहराते हुए लंबे बाल, सिर पे हल्का सा नीला स्पाइरल हॉर्न होता है और ये वारक्राफ्ट फैमिली अनबीटेबल टैलेंटेड पर्सन कैओस इमॉर्टल होता है या ती है। यहाँ पे जिंगबू चैन काफी ज्यादा हिडन तौर जो यान की तरफ देख रहा होता है और तुरंत ही कहता है घबराओ मत जिंगबू चैन, इस एल्यूजन के अंदर पावरफुल बीस्टों को छोड़कर कोई भी मुझे आसानी से धमकाने की हिम्मत नहीं कर सकता। जो यान की बात को सुनकर जिंगबू चैन भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, क्योंकि किसी अननोन रीजन के कारण उसे लग रहा था कि जोयान जो कह रहा है बस वही सही है। जिसके बाद उसकी नजरें कैओस मॉर्टल पर टिक जाती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे जो यान का किसी को अपनी हेल्प के लिए इनवाइट करने के यहाँ पे 2 मोटिव थे कि क्या वास्तव में फ्यूचर में जियो क्लैन अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और अपनी मदद के लिए लोगों को जुटाने के लिए कैपेबल हो सकता है या नहीं। साथ ही जोयान के यहाँ पे हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज होती है,
और वो तीनों लोग कैओस इमोर्टल को ही देख रहे होते हैं। तभी कैओस इमोर्टल काफी हैरानगी से अपनी नजर उठाकर जो यान की तरफ देखती है और उसकी आंखें काफी ज्यादा हैरानगी से भरी हुई होती हैं। दूसरा जिंगबूचन और लोंगी को देखकर कैओस इमोर्टल के अंदर कोई भी एक्साइटमेंट या कोई भी इंप्रेशन का चेंज नहीं होता। साथ ही कैओस इमोर्टल ने तब जोयान को देखा था जब जोयान ने एल्यूजन के अंदर एंटर किया था। साथ ही कैओस इमोर्टल का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करना वास्तव में आसान बात नहीं थी। साथ ही कैओस इमोर्टल थोड़ा उलझन में होती है कि आखिरकार कई मील के आसपास तक उसके कोई भी नहीं आता। जाहिर तौर पर कोई भी उसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन ये तीनों लोग आखिरकार उसकी तरफ दौड़ते हुए क्यों आ रहे थे? साथ ही अगर ये तीनों लोग उसे मारने के लिए आए थे तो इस तरीके से खड़े होकर देखना तो बिल्कुल बेवकूफी होती। हालांकि तभी वो तीनों लोग कैओस इमोर्टल के नजदीक आते हैं और जोयान उससे ज्यादा दूर खड़ा नहीं होता क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई गलतफहमी पैदा ना हो। और इसके बाद वो स्माइल से वेलकम करते हुए कैओस इमोर्टल का वेलकम करता है और काफी पोलाइटली उसे ग्रीट करता है। सभी जोयान की काइंडनेस और जोयान के पोलाइट बिहेवियर को देखकर कैओस इमोर्टल ने इतना तो समझ लिया था कि जोयान लड़ाई झगड़े के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आया। साथ ही ब्लड केव जैसी इस जगह पर अपने आप पास आकर नमस्ते कहने की हिम्मत करना ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि बंदे के अंदर कितना ज्यादा करेज है, यानी कि साहस। साथ ही जोयान की पावर और उसकी मिस्टीरियसनेस को देखते हुए और ऑरे को समझते हुए वो नॉर्मल पर्सन जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, इसलिए वो काफी हैरानगी से जोयान की तरफ देखता है। साला मुझे ये बताओ कैओस इमोर्टल लड़की है या लड़का, ती है या ता लगाऊं? खैर राइटर ने जहाँ पे ती लगाया वहाँ हम ती पढ़ेंगे, जहाँ पे ता लगाया वहाँ पे हम ता पढ़ेंगे। कैओस इमोर्टल यहाँ पे जोयान की तरफ देखता है और ये सिर्फ इतना था कि उसे पता नहीं था कि ये तीनों लोग अभी आए किस लिए हैं। साथ ही उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये लोग बस उसके करीब आने के लिए यहाँ तक आए थे, इसलिए वो जोयान की बात का इंतजार कर रहा होता है। साथ ही उसका बिहेवियर ना तो हॉट होता है ना कोल्ड, वो बस इम्प्रेशन लेस खड़ा हुआ होता है। साथ ही जोयान को नहीं पता था कि ये क्या सोच रहा है। तभी जोयान वहाँ क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और लोंगी और जिंगबूचन जोयान के पास आकर खड़े हो जाते हैं, जो देखकर कैओस इमोर्टल काफी हैरान होता है कि एल्यूजन के अंदर कोई भी उसके आसपास आने की हिम्मत नहीं करता, ये बंदा मौज मस्ती के साथ उसके पास बैठने की हिम्मत कर रहा है, इतना ज्यादा फियरलेस। इसीलिए वो तुरंत ही कहता है तुम अपनी आइडेंटिटी मुझे बताओ, जिसपे जोयान कहता है मेरी आइडेंटिटी, मेरा नाम जोयान है, साथ ही मैं इस बार ब्रदर कैओस को हमारी टीम में शामिल होने के लिए इनवाइट करने के लिए आया हूँ। जो सुनकर वो तुरंत ही कहता है क्या ये किलिंग अचीवमेंट को हासिल करने के लिए है? जिस पे जॉन कहता है नहीं, ये बस एक हाई लेवल के बीस्ट को मारने के लिए है। ये सिर्फ इतना है कि इस एल्यूजन के डीप एरिया में बीस्टों का जो लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये मुश्किल है कि हम तीनों अपनी पावर के साथ डीप एरिया तक जा पाए। इसीलिए मैं ब्रदर कैओस की मदद के लिए उन्हें कहना चाहता हूँ ताकि हम पावरफुल उस बीस्ट को चैलेंज कर सकें। साथ ही दूसरी और भी एक चीज है, यहाँ पे अगर हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम में से जिसे जो कुछ भी चाहिए वो मिल सकता है। जो सुनकर कैओस इमोर्टल काफी हैरान होते हुए कहता मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये तीनों लोग इसलिए मेरे पास आएंगे। इसलिए वो जॉन को ध्यान से देखता है और इसके बाद इस्माइल के साथ कहता है, मतलब इस्माइल के साथ देखता है। तभी जॉन कहता है अदर ब्रदर कैओस इंटरेस्टेड है तो वो बेझिझक किसी भी शर्त के बारे में कह सकते हैं, जब तक जोयान कर सकता है वो निश्चित तौर पर उसे कंप्लीट करेगा। हालांकि जोयान की बातों पे कैओस इमोर्टल कोई खासा इंटरेस्ट नहीं दिखाता और ये देखकर कि कैओस इमोर्टल को कोई इंटरेस्ट नहीं है, जोयान का तो दिल ही तड़प सा जाता है। और इसके बाद जोयान तुरंत ही कहता है आप जो भी चाहें रिक्वायरमेंट हमें बता सकते हैं, आखिरकार हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तभी कैओस इमोर्टल कहते हैं कि आप जानते हैं कि आप कहां पर हैं? जिस पे जोयान कहता है ये ब्लड केव है और इसे हर कोई जानता है। जोयान समझ नहीं पाता कि आखिरकार कैओस इमोर्टल ने ऐसा क्यों कहा। तभी कैओस इमोर्टल कहता है ये अपनी अपनी रिस्पेक्ट की बात है, हालांकि ये इम्पॉसिबल नहीं है कि मैं आपके साथ जुड़ूं, लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि मैं आपके साथ जुड़ूं? क्या ये आपके पीछे 9 प्रो पॉइंट गोल्डन थंडर ड्रैगन के कारण है कि आप इतने ज्यादा टेंशन फ्री होकर मेरे सामने खड़े हैं? उसकी बात को सुनकर तो जोयान लोंगी दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि इस बंदे को कैसे पता चला। लोंगी के मुंह में तो केवल एक ही वर्ड होता है, आर यू कॉमेडी मी। आखिरकार लोंगी एक पीक ट्राइब से बिलोंग करता है और उसे एक टैलेंटेड पर्सन माना जा सकता है, साथ ही उसकी पूरी की पूरी पावर हाइड है, फिर कैसे उसे कोई जान सकता है कि ये है। साथ ही ये केवल इतना था कि कैओस इमोर्टल की बात ने जोयान को थोड़ा सा उदास फील करा दिया था। हालांकि यह पहले ही ठीक था कि अगर जोयान की पावर कैओस इमोर्टल जितनी अच्छी नहीं है तो भी जोयान की पावर कैओस इमोर्टल से कम भी नहीं हो सकती। साथ ही जोयान को थोड़ा सा अपने कान में उसकी आवाज चुभ गई थी, इसीलिए जोयान तुरंत ही अपने काले चेहरे के साथ कहता है तो ब्रदर कैओस क्या ये सिर्फ इतना है कि आप केवल अपने बराबरी के पावरफुल पावर हाउसेस के साथ ही अलायंस में शामिल होंगे और वही आपको इनवाइट कर सकते हैं? जो सुनकर कैओस इमोर्टल तुरंत ही कहता है बिल्कुल सही। तभी जॉन काफी देर तक इंप्रेशन लेस तरीके से कैओस इमोर्टल को देखता है और उसके बाद पीछे हट जाता है और कुछ भी नहीं कहता, लेकिन अगले ही पल जोयान के बाद कैओस इमोर्टल को पूरी तरीके से हैरान रह कर देते हैं, क्योंकि जॉन ने कहा था कि वो सब मामले में वही करते हैं जो फिर ब्रदर कैओस चाहते हैं। जो सुनकर ही कैओस इमोर्टल हैरान हो गया था, हालांकि उसे पता था कि जोयान की पावर काफी पावरफुल है, लेकिन उसे नहीं लगता था कि जॉन इतना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है कि उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके। साथ ही
का नाम केस अनबीटेबल टैलेंटेड पर्सन के नाम पे, उसने कभी भी नाम सुना ही नहीं होता। इसीलिए कैओस इमॉर्टल आसमान की तरफ देखते हुए जोर जोर से हंसने लगता है और तुरंत ही कहता है, इंटरेस्टिंग, वास्तव में इंटरेस्टिंग। तो आप मुझे चैलेंज करने की हिम्मत करते हैं? आपको पता होना चाहिए आप एल्यूजन के अंदर पहले पर्सन है जिसने मुझे चैलेंज किया। जिसके बाद वो तीनों ही लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ठीक है तुम तीनों एक साथ मुझ पर अटैक करो, मैं अभी देखना चाहता हूँ तुम तीनों एक साथ क्या कर सकते हो। जिस पे जॉन कहता है, नहीं मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ इसीलिए आपको भी मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम एक पर एक ही फाइट करेंगे। जो सुनकर तो कैसे मॉडल का चेहरा ही बदल जाता है और वो तुरंत ही कहता है, क्या? और उसके बाद वो ऐसे जोयान को देखता है जैसे उसने कोई मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। लेकिन जोयान के कमिटेड इंप्रेशन देखकर बंदा समझ गया था कि जोयान मजाक नहीं कर रहा, इसलिए वो तुरंत ही कहता है, तुम काफी ईगोफुल हो। साथ ही गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया होता है और इसके बाद वो जोयान को डांटते हुए कहता है, पहले मैंने सोचा तुम एक ऐसे पर्सन हो जिसे सम्मान या अपमान से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो काफी ज्यादा पावरफुल और ब्रेव है। मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहता था लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे हो गए, क्योंकि तुम यहाँ पे अपनी मौत को खुद दावत देना चाहते हो, तो मैं इसमें तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और वैसे भी तुम्हारे जैसा पर्सन मेरा ओपोनेंट होने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम तीनों को एक आखिरी चांस देता हूँ, जितना जल्दी हो सके इतना दूर चले जाओ कि मैं तुम तीनों को देख ही ना पाऊँ, वरना मैं तुम तीनों को यहीं के यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। दूसरे कैसे मॉडल की बात को सुनकर जॉन पूरी तरीके से इग्नोर मार देता है, जैसे लड़कियां हमें मार देती हैं। और इसके बाद वो इंप्रेशन लेस तरीके से कैसे मॉडल की तरफ देखता है तो वो तुरंत ही गुस्से से डांटते हुए कहता है, मैंने सोचा था कि कैसे मॉडल एक रिस्पेक्टेड ओपोनेंट होगा लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी आप इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर घूम रहे हैं। जो देखकर कैसे मॉडल तुरंत ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? और वो अपने पावरफुल ऑरे को एनालाइज करता है जिसके कारण जो आसपास की रेत होती है चारों तरफ बिखरने लगती है, जो देखकर सभी लोग के मुंह से केवल एक ही वर्ड निकलता है, बहुत मजबूत। जिसके बाद इसके ऑरे से बचने के लिए जिंग बुचन और लोंगी तीन तीन कदम तक पीछे हट जाते हैं, जबकि जो यान कुछ भी मूवमेंट नहीं करता, उसका ऑरा जो यान का कुछ नहीं उखाड़ पाया। ये देखकर तो कैसे मॉडल भी हैरान हो जाता है और तुरंत ही कहता है, तुम में कुछ पावर तो है, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मुझे चैलेंज करने की हिम्मत करते हो, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ, मुझे उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ये देखकर कि उसका ईगो और गुस्सा शांत हो गया है, जोयान भी थोड़ा सा शांत हो जाता है। जिसके बाद जोयान आसपास के एरिया की तरफ देखता है जहाँ पे कुछ ही दूरी पर कुछ लोग लड़ रहे होते हैं, तभी कैओस इमॉर्टल कहता है, क्या तुम्हें लगता है वो चूहे यहाँ आने की हिम्मत करेंगे? जो देखकर जॉन कहता है, ब्रदर कैओस काफी ज्यादा पावरफुल है, नॉर्मल डाउडीज भला उनके सामने ईगोफुल होने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पे कोई भी ना हो, क्या वो जो बड़े पेड़ के पीछे छिपा हुआ है क्या आप उसे देख सकते हो? जो सुनकर कैओस इमॉर्टल तुरंत ही हैरानगी से उसी डायरेक्शन में देखता है जहाँ पे जो यान देख रहा था। हालांकि जो यान जब कैओस इमॉर्टल से मिला था तब उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर ले ली थी, लेकिन यहाँ पे हमेशा अलर्ट रहने के लिए जो यान ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को फैला भी दिया होता है, जिससे जो यान को पता चल गया था कि यहाँ पे एक बंदा छिपा हुआ है। और जैसे ही जो यान ने उस बंदे की आइडेंटिटी को रिवील किया, वो बंदा वहाँ से भागने के बजाय जो यान और कैओस इमॉर्टल की तरफ बढ़ने लगता है और स्माइल करते हुए कैओस इमॉर्टल की तरफ सिर हिलाता है। तभी सभी लोगों की एक ही साथ पुतलियां सिकुड़ जाती है और अनट्रस्टेड तरीके से इस बंदे के पहने हुए कपड़े देखते हैं जो खून से सने हुए लग रहे थे। तभी जिंग बुचन कहता है, रेजिंग ड्रैगन, क्या ये एक ड्रैगन है? ये इस तरीके से कैसे हो गया? जिंग बुचन और लोंगी दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और जो यान भी काफी हैरान होता है कि ये पर्सन वास्तव में मॉन्स्टर ट्राइब का नूलोंग है जिसे रेजिंग ड्रैगन कहते हैं, अनबीटेबल टैलेंटेड पर्सन। साथ ही उसके फोरहेड पर निकले हुए ड्रैगन स्केल और उसकी ब्लड रेड आई ये साबित करने के लिए पहले ही काफी थी कि यही नूलोंग है, यानी कि रेजिंग ड्रैगन। जो देखकर कैओस इमॉर्टल भौंहें चढ़ाते हुए कहता है, नूलोंग तुम उस बड़े पेड़ के पीछे छिपकर क्या कर रहे थे और तुम्हारे गार्ड्स कहाँ हैं? तभी रेजिंग ड्रैगन तुरंत ही कहता है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा एक नजर आप पर भी डाल लूं। खैर आइए उन गंदी चीजों के बारे में बात नहीं करते। जिसके बाद यहाँ पे ये लोंगी और जिंग बुचन की तरफ देखता है और उन्हें इग्नोर करने के बाद वो जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, लड़के तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहाँ पे छिपा हुआ था? दूसरी जोयान तो काफी हैरान होता है। तभी जोयान काफी हैरान होता है कि शायद ये रेजिंग ड्रैगन बहुत पहले ही यहाँ पे आ गया होगा, इसलिए उसने उसके बारे में नहीं सुना, वरना तो पूरे मॉन्स्टर ट्राइब का हर एक बंदा जोयान को जानता है। आखिरकार जोयान ने उनकी होली सेंट को जो वापस किया था पूरे मॉन्स्टर क्लेन में, ये एक सनसनी न्यूज थी। लेकिन जोयान तुरंत ही कहता है, मैं एक एल्केमिस्ट हूँ। जो सुनकर कैसे मॉडल काफी हैरानगी से जोयान को देखता है और कहता है, ओह तो ये बात है। और इस टाइम पे रेजिंग ड्रैगन और कैसे मॉडल दोनों को ही एक साथ एहसास हुआ था कि जॉन ने कैसे पता लगाया। तभी रेजिंग ड्रैगन कैसे मॉडल की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने आपका नाम काफी लॉन्ग टाइम से सुना है, मैं अभी आपके साथ कॉम्पीट करना चाहता हूँ, तुम्हें मुझसे लड़ना चाहिए। जो सुनकर कैसे मॉडल कहता है, रेजिंग ड्रैगन ये नाम तो मैंने भी सुना है जो पूरे कॉन्टिनेंट में फेमस है, मैं भी आपकी काफी तारीफ करता हूँ,
लेकिन अफसोस की बात है कि इस पर्सन के साथ मेरा बैटल कॉन्ट्रैक्ट है। और ऐसा कहते हो वो अपनी बैटल को ही कॉनलेस करता है और जो यान की तरफ देखता है। तभी रेजिंग ड्रैगन भी कहता है हाँ मैंने भी इसे सुना है। और इसके बाद फियरलेस तरीके से हंसते हुए जो यान की तरफ देखता है और तारीफ करते हुए कहता है ये बच्चा तुम्हें चुनौती दे सकता है, उसके पास हिम्मत है। वाह यार दिल जीत लिया तुमने, साथ ही अभी उसने तुम्हारे औरे के साथ भी फाइट की है और लगभग ये बराबर ही है। मेरे लिए तो ये और भी इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि आप लोग इक्वल लेवल के लगते हो, तो आप लोग लड़ते हो तो मैं बगल में खड़ा होकर देखूंगा। साथ ही यहाँ पे तो फुलोंग ने दे धड़ाधड़ जॉन की तारीफ करना स्टार्ट कर दिया होता है। आखिरकार क्या उस इमॉर्टल को चैलेंज करना काफी बड़ी बात थी यार, वो वारक्राफ्ट फैमिली से थी, मतलब था, इसलिए वो ये एक्सेप्ट तो करता है कि जॉन के पास कुछ तो पावर होगी। साथ ही उसे पता था कि कैविस इमॉर्टल और जॉन के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं, इसीलिए फाइट होने को खत्म होने में बस कुछ ही राउंड लगेंगे और जो भी हारेगा वो अपनी हार एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि ये कोई लाइफ और डेथ का तो बैटल था नहीं। साथ ही हालांकि कैविस इमॉर्टल की जो बैटल पावर थी वो काफी खतरनाक थी, लेकिन जो यान का भी तो कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर था, लेकिन कैविस इमॉर्टल के डिफेंस को देखते हुए अगर जो यान जीतना चाहता है तो वो निश्चित तौर पर आसान नहीं होना चाहता होने वाला। तभी जो यान कहता है अगर हमारी फाइट हुई और हमारी एनर्जी ड्रेन हो गई और उसके बाद अगर रेज ड्रैगन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो हमारा क्या होगा, हालांकि मैं खुद के लिए तो नहीं डरता लेकिन लॉन्गी और जिंग भूचैन का क्या होगा। इस टाइम पे जॉन को हर किसी से अलर्ट रहने की जरूरत थी। तभी कैविस इमॉर्टल तुरंत ही कहता है मैं तुम तीनों की सिक्योरिटी पर दांव लगा सकता हूँ, फुलोंग एक अच्छा पर्सन है तो मैं परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस पे जॉन कहता है मैं मानता हूँ लेकिन फिर भी किसी भी चीज के लिए कन्फर्म होना ये इतना आसान कैसे हो सकता है। तभी कैविस इमॉर्टल अपने दिल में ही कहता है ये बच्चा वास्तव में काफी कॉन्फिडेंट लगता है और अपनी चीजों को लेकर ये सच में काफी पॉजिटिव भी है। इसकी बातों को देखते हुए लगता है कि ये कुछ टाइम के लिए मेरे साथ फाइट कर सकता है। और इसके बाद एक स्माइल के साथ वो फुलोंग की तरफ देखते हैं। फुलोंग को तो इसकी बिल्कुल भी मूड नहीं थी कि जॉन ऐसा कुछ कहेगा, इसलिए उसे तुरंत ही गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारा मतलब क्या है लड़के, क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं घाव में नमक छिड़क सकता हूँ, क्या तुम मुझे थप्पड़ मारने जैसा नहीं है, क्या तुम्हारी ये बातें मुझे थप्पड़ मारने जैसी नहीं है। और इस टाइम पे वो इतना गुस्से में था कि जो यान के लिए उसके दिल में जो थोड़ा सा प्यार आया था वो गायब हो जाता है और दिल और आंखें दोनों ही लाल हो जाती हैं। हालांकि जब लॉन्गी ये सुनता है तो उसे काफी गुस्सा आता है, लेकिन जब वो जीतने की पॉसिबिलिटी के बारे में सोचता है तो वो चुपचाप शांत हो जाता है। दूसरा ऐसा लग रहा था कि जॉन को जैसे उम्मीद हो कि रेज ड्रैगन बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन देगा, इसलिए वो स्माइल करते हुए तुरंत ही उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है मैंने सुना है कि रेज ड्रैगन काफी पावरफुल है और फेयरलेस भी, इसीलिए मैं हमेशा से इसे देखना चाहता था, इसीलिए अगर आप और ब्रदर कैयोस पहले लड़ते हैं तो यह कैसा रहेगा। ये देखकर तो जिंग भूचैन और लॉन्गी अपने दिलों में चिल्लाते हुए कहते हैं बहुत सही, खुद को पीछे करके रेज ड्रैगन को आगे कर दो, ये सबसे सही तरीका है। दूसरा कैयोस इमॉर्टल जॉन को देखता है तो उसकी आंखें तुरंत ही साइन होती हैं और वो दिली दिल में जॉन की काफी तारीफ करता है कि वास्तव में इस बच्चे में दिमाग तो काफी खतरनाक है और अगर उसकी पावर भी उसके दिमाग जितनी अच्छी है तो इसके साथ इसकी मदद की जा सकती है। दूसरी तरफ कुछ अननोन लोगों के सामने फुलोंग अपनी रिपोर्टेशन को कैसे खो सकता था, भले ही उसे पता था कि जॉन उसे उकसा रहा है फिर भी वो तुरंत ही अपने मुंह को खोलकर इस चीज में एग्री हो जाता है, लेकिन जो यान को देखकर वो भी झिझक रहा होता है और वो फाइट करने से झिझकते हुए बैटल को रोक देता है। और कैविस इमॉर्टल की झिझक को देखकर रेज ड्रैगन की झिझक को देखकर तुरंत ही समझ जाते हैं कि जो यान को लेकर टेंशन में, इसलिए वो तुरंत ही कहते हैं अगर तुम वास्तव में उस पर्सन की चिंता करते हो तो उस पर्सन का तुम्हें लेकर चिंता करना भी गलत बिल्कुल भी नहीं था। तभी रेज ड्रैगन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है दूसरों का फायदा उठाना हमेशा ही शक पैदा करता है। रेज ड्रैगन और कैविस इमॉर्टल हम दोनों अपनी रिपोर्टेशन के साथ और एक्सट्रीमली अनबीटेबल टैलेंटेड पर्सन के साथ डाउडी कॉन्टिनेंट में रिपोर्टेटेड हैं, तो क्या आपको लगता है कि मैं दूसरों का फायदा उठाने जैसे घटिया काम करके अपनी रिपोर्टेशन को बर्बाद करूंगा। तभी कैविस इमॉर्टल कहता है मुझे नहीं पता कि आपके पास छिपाने के लिए कुछ है या नहीं, या आपके पास दूसरे थॉट है या नहीं, लेकिन आप और मैं पहले कभी नहीं मिले, एक दूसरे को समझना तो दूर की बात, यहाँ पे कौन किस पर भरोसा करने की हिम्मत करता है, यहाँ अपने ही भरोसे के लायक नहीं तो अननोन लोगों पर भरोसा करना तो वास्तव में और भी कठिन बात है। और आखिरकार अगर वो मुझसे लड़ना चाहता है तो उसे पूरी मन की शांति के साथ मुझसे लड़ना चाहिए ताकि उसे हराने के बाद मैं आश्वस्त हो सकूं और टेंशन फ्री, वरना भले ही मैं जीत भी जाऊं मुझे दिल में हमेशा यही शक होगा कि वो पूरे दिल से मुझसे फाइट नहीं कर पाया। हालांकि वर्ड तो काफी चालाक फील हो रहे होते हैं लेकिन मतलब बिल्कुल साफ था कि वो कैयोस इमॉर्टल रेज ड्रैगन को किनारे पे खड़ा होकर फाइट नहीं देखना देना चाहती थी चाहता था, जो सुनकर रेज ड्रैगन काफी नाराज होता है, लेकिन उसे पता था कैयोस ड्रैगन से वो पंगा नहीं ले सकता कैयोस इमॉर्टल से, इसीलिए वो काफी गुस्से भरी नजरों के साथ जो यान को देखता है जैसे वो जिंदा जो यान को खा जाना चाहता हो। लेकिन जॉन रेज ड्रैगन की नजरों को पूरी तरीके से इग्नोर मार देता है जैसे पहले काइलेन जो यान को मार देती थी। हालांकि यहाँ पे तो जॉन टेंशन फ्री तरीके से स्माइल कर रहा होता है, ये देखकर रेज ड्रैगन अपने गुस्से को कंट्रोल करता है क्योंकि वो कैयोस इमॉर्टल की फाइट को देखने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही अपने गुस्से को दबाते हुए कहता है जो यान नहीं कहता, वो सिर्फ ये कहता है मुझे बताओ तुम कैसे राहत फील कर सकते हो।
साथ ही जो यान को भी पता था, कितना कुछ हो जाने के बाद भी अपने गुस्से को कंट्रोल करना आसान नहीं है। इसलिए जॉन दिली दिल में इसकी तारीफ करता और कहता है, इसलिए जॉन कहता है, ऐसा लगता है कि आप ये करना है तो ये सवाल आप मुझसे नहीं अपने आप से पूछे कि आप ये कैसे कर सकते हैं, हम आप पर विश्वास करेंगे। जो सुनकर रेड ड्रैगन कहता है, खुद से पूछूं, और काफी देर तक हैरान रह जाता है, जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, बच्चे क्या तुम जानते हो कितने ही लोग हैं जो वास्तव में मेरे सामने आकर आंख से आंख मिलाने की हिम्मत भी नहीं करते। तुम यहाँ मेरे सामने खड़े हुए हो बिना किसी डर के मेरे साथ बेझिझक बात कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो? लेकिन फिर भी ठीक है, आपके साथ साथ कैस इमॉर्टल को भी मुझे चेहरा देना होगा, तो क्या मेरे लिए मॉन्स्टर ट्राइब की होली मिस की कसम खाना सही रहेगा? जो सुनकर जो यान काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, तू वास्तव में मेरी ही वाइफ की कसम मेरे ही सामने खाने वाला है मुझे ही न मानने के लिए? जॉन काफी ज्यादा हैरान होता है, जिसके बाद जॉन के दिल में खुशी की लहर फूट पड़ती है। खुशी की लहर इसलिए टूट पड़ती है जॉन के दिल में कि वास्तव में किंगलिन की रिपोर्टेशन इतनी ऊंची हो गई, अभी अभी तो गई थी मॉन्स्टर ट्राइब में और जगह जगह फेमस हो गई है कि लोग वास्तव में उसकी पूजा करते हैं। लेकिन खुशी होने के साथ साथ जॉन दुखी भी हो जाता है कि अगर ये आदमी खलनायक निकला, अपने वादे को तोड़ दिया, तो क्या ये इतनी खतरनाक शपथ उसकी वाइफ के लिए झटका नहीं होगी? तभी जोयान तुरंत ही कहता, नहीं नहीं, तुम उसकी शपथ नहीं ले सकते। अगर तुम कसम खाना ही चाहते हो तो मॉन्स्टर ट्राइब में अपने ओल्ड एंसेस्टर जो तुम्हारे आइडल रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट की और रिपोर्टेशन की शपथ ले सकते हो। जो सुनकर तो रेड ड्रैगन काफी ज्यादा नाराज होते हुए कहता है, तुम्हारी, लेकिन अचानक वो कुछ कदम पीछे हटते हुए कहता है, ठीक है, और खुद से ही कहता है, क्या तुम गधे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारी होली सेंट की पोजीशन यहाँ सबसे हाई है? दूसरा कैओस इमॉर्टल भी अपना सिर झुका लेता और कुछ भी नहीं कहता। साथ ही रेड ड्रैगन भी समझ गया था कि कैओस इमॉर्टल भी जॉन की बात से एग्री है, इसलिए वो कहता है, ठीक है, मैं अपने एंसेस्टर की रिपोर्टेशन की कसम खाता हूँ, मैं यहाँ चुपचाप खड़ा होकर फाइट देखूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। जिसके बाद वो तुरंत ही आसमान की तरफ से हाथ उठाते हुए कहता है, मैं मॉन्स्टर ट्राइब का रेड ड्रैगन यहाँ पे शपथ लेता हूँ, अगर मैं दूसरों पर खतरे का फायदा उठाऊं इन दोनों की फाइट में तो मेरे ऊपर लाइटिंग गिरे और मैं कभी भी दोबारा पुनर्जन्म नहीं ले पाऊं और मेरे ओल्ड एंसेस्टर इसके लिए गवाही दे सकते हैं। जिसके बाद वो कैओस इमॉर्टल की तरफ देखते हुए कहता है, क्या ये ठीक है? जिस पर उसके चेहरे पर तुरंत ही स्माइल आ जाती है और कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने वास्तव में आपको गलत समझा था, इसके लिए मुझे माफ करिएगा, पर ये जगह ही ऐसी है। दूसरा मामले को सेटल होते हुए देखकर जो यान भी खुश होता है और उसके बाद कहता है, ब्रदर कैओस तो स्टार्ट करें। जो सुनकर लॉन्गी जिंग बूचन और रेड ड्रैगन तुरंत ही कुछ मील तक पीछे हट जाते हैं क्योंकि अब दोनों के लिए फाइट स्टार्ट होने वाली थी। लॉन्गी और जिंग बूचन की आंखों में तो एक्साइटमेंट होता है क्योंकि जॉन ने डैन बिंगयांग और जेन जियान को हराया था, तो वो ये देखना चाहते थे कि कैओस इमॉर्टल के खिलाफ ये जीत सकते हैं या नहीं। दूसरी तरफ ये फुलोंग तो अपनी हाथों को चेस्ट पर क्रॉस लेकर के जॉन को तिरछी नजर से देख रहा था कि साले देखता हूँ कैओस इमॉर्टल तुझे कैसे धोता है, फिर मैं ले मजे लूंगा। दूसरी तरफ कैओस इमॉर्टल भी अपना एक कदम आगे बढ़ाता है जिसे चैलेंज के तौर पर माना जा सकता था, लेकिन जॉन को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो भी एक स्माइल पास करता है और इसके बाद कहता है, ब्रदर कैओस टेंशन फ्री होकर मेरे ऊपर अटैक करिए, ऐसे में लड़ाई मजेदार होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जो यान के ऐसे कैरेक्टर को देखकर तो कैओस इमॉर्टल काफी हैरान होता है और तुरंत ही सीरियस भी हो जाता है और इसके बाद वो अपनी बैटल स्किल को एक्टिवेट करता है। तभी जो यान के हाथ में भी उसका हैवी जुआन रूलर स्काई फायर के साथ अपीयर हो जाता है, जिससे आसपास के एटमॉस्फेयर में गर्मी थोड़ा सा बढ़ जाती है और स्पेस में क्रैक क्रिएट होने लगते हैं। जो देखकर तो कैओस इमॉर्टल हैरानगी से तारीफ करते हुए कहता है, स्काई फायर की पावर, ये बच्चा वास्तव में इतनी पावरफुल स्काई फायर को कंट्रोल कर सकता है, खैर ये जितना स्ट्रांग होगा उतना ही इंटरेस्टिंग होगा। जिसके बाद वो पंच बढ़ाकर सीधा ही जोयान की चेस्ट की तरफ बढ़ जाता है और उसकी पावरफुल बैटल क्वी के कारण आसपास की जो एटमॉस्फेयर होती है जॉन को काफी चिपचिपा फील होता है और उसके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है, जो देखकर जोयान भी अपनी बैटल क्वी को एक्टिवेट करता और एक पंच से बनने वाले दबाव को तुरंत ही नलीफाई कर देता है। जो देखकर कैओस इमॉर्टल तुरंत ही हैरान होते हुए कहता है, इतनी जल्दी इस चीज से छुटकारा पाना बहुत खूब। और इसके बाद कैओस इमॉर्टल जो यान के हैवी जुआन रूलर को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखता है तो तुरंत ही लेफ्ट राइट झुककर उससे डॉच करता है और अपने राइट हैंड के पंच से जो यान के लेफ्ट साइड की पसली पर अटैक कर देता है क्योंकि ये लोग क्लोज कॉम्बैट कर रहे होते हैं। तभी जो यान भी उससे बचने के लिए अपनी बॉडी को मोड़ते हुए अपने हैवी जुआन रूलर को कैओस इमॉर्टल के पैर की तरफ अटैक कर देता है, जो देखकर कैओस इमॉर्टल तुरंत ही हैरान होते हुए कहता है, कितनी फास्ट मूवमेंट, यहाँ तक कि मेरे दो अटैकों को डॉच करके मुझ पर अटैक करने में कैपेबल होने के बावजूद ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें सच में काफी कम आका है, बहुत खूब। उसे अपने दिल में कपकपी फील हो गई थी इसलिए वो तुरंत ही पीछे हटता है और अपने पंचों को जमीन में पटक देता है, इसीलिए जहाँ पे जो यान खड़ा होता है तुरंत ही वहाँ से जमीन से बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, जो देखकर जॉन तुरंत ही कहता है, ओह वेटल स्किल। और इसके बाद जॉन तेजी से पीछे हट जाता है और अपने सामने बन रहे नुकीले स्टोन पिलर्स को देखता है। साथ ही इन चीजों को देखकर तो जॉन का चेहरा लाल हो गया होता है और इसके बाद जॉन तुरंत ही कहता है, ये वास्तव में अर्थ एट्रीब्यूट को कंट्रोल कर सकता है,
साथ ही जॉन को पता था कि अर्थ एट्रीब्यूट एनर्जी का बहुत कम यूज करता है और जॉन को पता था कि अगर वो कंटिन्यू पीछे हटता रहा तो नुकसान उसे ही होने वाला है। लेकिन जॉन तुरंत ही कहता है हालांकि अर्थ के नीचे खड़े होकर अर्थ एट्रीब्यूट के साथ फाइट करने में कैस इमॉर्टल की हुई फायदा ही होगा, इसलिए अगर मैं स्काई में चला जाता हूँ तो कैस इमॉर्टल अगर इन स्टोन पिलर्स को हेवन स्काई के ऊपर उठाकर मुझ पर अटैक करता है तो इसकी एनर्जी ज्यादा खर्च होगी। और इतना सोचते ही जॉन तुरंत ही हवा में पहुंच जाता है, जो देखकर कैसे मॉडल समझ जाता है कि अपना बैटल स्किल तो गया, इसलिए वो बैटल स्किल को खत्म कर देता है और जॉन को एक अंगूठा पास करता है। बहुत अच्छे ठेंगा ले लो, दूसरे अटैक से पीटूंगा। हालांकि वो जॉन को थम्सअप ही दे रहा होता है, वो थम्सअप नहीं डर के आगे जीतने वाला नहीं, वो कॉन्ग्रेचुलेशन वाला कि उसने उसके बैटल स्किल को तोड़ दिया और इतनी जल्दी उससे बचने का रास्ता ढूंढ लिया। साथ ही उसकी पावर का यूज करने के बाद भी वो जोयान से जोयान को चोट नहीं पहुंचा पाया था, इसका मतलब था कि जोयान के पास उससे लड़ने की पावर है। साथ ही जोयान को कैस इमॉर्टल से आसानी से फाइट करते हुए देखकर लोंगी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो काफी कॉन्फिडेंट होते हुए कहता है मेरा पप्पा जिंदाबाद। दूसरा जिंग बुचेन तो रेज ड्रैगन की तरफ देखता है जिसका चेहरा नीला लाल हो गया होता है, जिसके बाद जिंग बुचेन तुरंत ही कहता है कि आपने ब्रदर जियो की पावर देखी, आपने पहले उनका ईगो देखा था लेकिन यंग मास्टर मैं काफी खुश हूँ, वो वास्तव में कैस इमॉर्टल के साथ फाइट कर रहा है और उसने भी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, वो वास्तव में अपनी रिपोर्टेशन दिखाने में कैपेबल है। लेकिन यहाँ पे रेज ड्रैगन तो जोयान को देखता और जिंग बुचेन को इग्नोर मार देता है क्योंकि जिंग बुचेन और लोंगी की पावर उसके कंपैरिजन में काफी कम थी, इसलिए यहाँ पे ये उसके ध्यान देने के लायक बिल्कुल भी नहीं थे। साथ ही उसने जब देखा कि जोयान कैस इमॉर्टल को पीछे धकेल सकता है, इसका मतलब था कि उसके अंदर कुछ क्षमता तो है। साथ ही इससे यह भी पता चलता था कि वो उसके खिलाफ लड़ सकता है, साथ ही अटैक को देखते हुए तुरंत ही उसका सॉल्यूशन निकालने में कैपेबल होना ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था, जो कि हमेशा ही काफी सारी फाइटों के बाद इकट्ठा होता है, जिसका मतलब था कि जॉन के पास बैटल का भी काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। साथ ही जब भी जोयान बैटल स्किल्स को देखता है या अटैक को तो काफी शांति से एक्शन लेता है, जिसका मतलब था कि जाहिर तौर पर वो अपना सबसे बेस्ट अभी नहीं कर रहा बल्कि वो कैस इमॉर्टल की फाइटिंग स्किल्स और स्ट्रेंथ को परख रहा है, और अगर कैस इमॉर्टल उसे हराना भी चाहता है तो ये थोड़े समय में पॉसिबल नहीं होगा, जिसपे वो अपने आप पे ही हंसता कि वास्तव में कुछ टाइम पहले उसने गुस्से में जॉन को कुचल कर मार डालने की धमकी दी थी, अब ये मजाक लग रहा था, इसीलिए उसका चेहरा थोड़ा सा गर्म हो जाता है और वो खुद से ही कहता है वास्तव में इस लड़के की बैटल पावर काफी अच्छी है, कैसा कहा जा सकता है कि वह निश्चित तौर पर कोई अननोन या विदेशी पर्सन नहीं है, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी सुना क्यों नहीं। तभी जोयान भी हवा में स्माइल करते हुए कहता है ब्रदर कैओस जल्दी करिए वरना ब्रदर नू लॉन्ग और देर तक इंतजार नहीं कर पाएंगे, वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते जा रहे हैं। वेट शब्द को सुनते नू लॉन्ग का तो चेहरा ही गर्म हो गया होता है और वो तुरंत ही काफी ज्यादा सेटिस्फाइड तरीके से कैओस इमॉर्टल और जोयान की तरफ देखता है। साथ ही फूलोंग तुरंत ही कहता है अगर तुम कैओस इमॉर्टल के साथ लड़ सकते हो और उसे हरा सकते हो तो तुम्हें ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं, साथ ही अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हारे सामने झुककर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लूंगा, मतलब मेरे सामने झुकने और गलतियों को एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं। तभी यह सुनकर कैस इमॉर्टल काफी हैरान होता है कि हाँ जोयान की उसने तारीफ की लेकिन अगर जॉन उसे हराना की सोच रहा है तो ये अभी भी बहुत इम्पॉसिबल है, और भले यहाँ पे जोयान के बजाय और भी कोई अनबीटेबल टैलेंटेड पर्सन होता वो अभी भी उन्हें हराने के लिए कॉन्फिडेंट था। और नूलोंग की बात को सुनकर भला उसे गुस्सा कैसे नहीं आता कि वो कह रहा है जॉन उसे हरा सकता है। उसकी बात को सुनकर जोयान के तो दिल में हलचल मच जाती है कि अनबीटेबल टैलेंटेड पर्सन नूलोंग ये एक्सेप्ट करने में कैपेबल था कि पहले उसने जोयान का गलत कैलकुलेशन किया, जिससे जोयान के दिल पर नूलोंग का काफी अच्छा इफेक्ट जाता है। और जोयान हंसते हुए कहता है फिर ब्रदर यूलोंग याद रखिएगा आपने पहले क्या कहा था, और यूलोंग को उम्मीद नहीं थी कि जॉन वास्तव में इसे सीरियसली ले लेगा, इसलिए वो शॉक रह जाता है, जिसके बाद वो तुरंत कहता है यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये सुना है, क्या तुम अभी भी डरते हो कि अगर तुम जीत गए तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और बच्चे भले ही मैं सेटिस्फाइड हूँ और तुम मुझे एम्बेरेस करना चाहते हो लेकिन वास्तव में उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बैटल को जीत जाओ, आखिरकार इस तरीके से मैं कैसे बैटल को हारते हुए तो देख सकता हूँ, भले ही इसमें मुझे एम्बेरेस ही क्यों ना होना पड़े। तभी कैस मॉडल कहता अच्छा अच्छा तुम लोग आपस में ही चालबाजियां कर रहे हो, और उसके बाद उसकी बॉडी से पावरफुल स्ट्रॉन्ग और जनरेट होने लगता है, और इसके बाद वो कहता है तो ठीक है मैं ब्रदर नू लॉन्ग को ज्यादा लॉन्ग टाइम तक इंतजार नहीं कराऊंगा। सतीश की इस बात पे साफ साफ पता चलता था कि वो जॉन को जल्दी हरा कर मैच खत्म करना चाहता है। सतीन तीनों की फाइट को देखकर लोंगी काफी हैरान तो जिंग बुचेन काफी खुश होता है, क्योंकि उसे आज पता चला था कि अनबीटेबल टैलेंटेड पर्सन वास्तव में नॉर्मल लोगों की तरह गुस्सा भी होते हैं और आपस में झगड़ते भी हैं। तभी जॉन कहते हैं क्योंकि ब्रदर कैओस नहीं चाहते ब्रदर नू लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक इंतजार करें, तो जॉन उनके इस बात को जरूर ही एक्सेप्ट करेगा और आपका सम्मान करेगा। जिसके बाद स्काई फायर अपेयर होते हुए जोयान को पूरी तरीके से घेर लेती है और जोयान का ऑरा उसके एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है, और जोयान के ऑरे को देखकर तो कैस इमॉर्टल और रेज ड्रैगन दोनों ही हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद जॉन आगे बढ़ते हुए तुरंत कहता है ब्रदर कैओस ध्यान से, और इसके बाद जॉन स्काई फायर से आगे निकलते हुए सीधा ही कैस इमॉर्टल के सामने पहुंच जाता है, जिसके बाद आसमान में जोयान की स्काई फायर ब्लू ग्रे कलर की एक लाइन को खींचते हुए सीधा ही कैस इमॉर्टल के खोपड़ी की तरफ बढ़ती है, जो देखकर कैस इमॉर्टल हैरान होते कहता है इतना तेज उड़ी बाबा,
उसे एक चीज तो फील हो गई थी कि इससे बचना इम्पॉसिबल है, इसलिए वो तुरंत ही अपने दोनों हाथों को एक्टिव करते हुए सामने लाती है और अपने पावरफुल डिफेंस को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसकी बॉडी पर उसके स्केल अपीयर हो जाते हैं और तेज धमाके की आवाज आती है। और जुआन के हैवी जुआन रूलर ने जो स्काई फायर के साथ सीधी लाइन बनाता हुआ आ रहा होता है, कैस इमॉर्टल के हाथों पर ही अटैक किया होता है। हालांकि जुआन ने अभी अभी अटैक किया था, इसलिए कैस इमॉर्टल इस मूवमेंट को बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकता था। साथ ही जुआन के हैवी जुआन रूलर से टकराते ही वो बिल्कुल भी पीछे नहीं जाता और तुरंत ही खाली हवा में पावर के साथ जुआन को एक लात मारता है। हालांकि ये किक रियल होती तो वास्तव में जुआन की हड्डियां टूट गई होती, लेकिन ये केवल अपने प्रोटेक्शन के कारण हल्की पावर के साथ जुआन पर अटैक कर पाया था, इसलिए जुआन अभी भी बच गया होता है। साथ ही हैवी जुआन रूलर के अटैक से भी उसे जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ होता, इसलिए जुआन तुरंत ही पीछे जाते हुए खून को थूकता है, पीछे की तरफ खींचता है अपने आप को, और कुछ स्पीड तक जाने के बाद वो उसके अटैक से डॉच करता है, जिसके बाद जॉन यहाँ पे कैसे मॉडल के पास पहुँचकर उसके चारों तरफ घूमता है और इस टाइम पे अटैक करने की जल्दबाजी नहीं दिखाता, बल्कि वो उसकी हरकतों को मेजर कर रहा होता है और अंदाजा लगा रहा होता है। दूसरे जॉन उसके काफी सारे मुक्कों से बच गया था, ये देख कैस इमॉर्टल भी काफी नाराज हो जाता है। तभी जॉन कहता है मुझे तुम्हारी वीकनेस पता चल गई, और इसके बाद जॉन काफी हैरानगी से देखता है। जॉन एक चीज तो जान ली थी कि कैस इमॉर्टल की जो डिफेंस है वो अनब्रेकेबल और काफी खतरनाक है, साथ ही पावर भी काफी अच्छी है, लेकिन उसकी जो स्पीड और मूवमेंट है वो उतनी अच्छी नहीं, इसलिए जॉन की स्पीड के साथ वो सबसे ज्यादा नाराज होगा। और लोग जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है वो नफरत करते हैं वो वही है जो जुआन अब करने वाला था। तभी कैस इमॉर्टल कहता है अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें हेल्पलेस कर सकते हो मुझे, तो तुम अभी भी अपने आप को कुछ ज्यादा ही कैलकुलेट कर रहे हो। और उसके बाद वो तुरंत ही अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए काफी स्पीड से आगे आता है और जहाँ से भी वो निकल रहा होता है पीले रेत के टुकड़े बिखर गए होते हैं। तभी जॉन उसकी स्पीड को देखकर ज्यादा हैरान नहीं होता, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब स्माइल आ जाती है। और उसके बाद जॉन भी अपना पंच कसते हुए सीधा ही कैस इमॉर्टल के पंच की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर कैस इमॉर्टल कहता है फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ मेरे साथ कॉम्पीट करने की हिम्मत करते हो, क्या तुम्हें अपने हाथ पैर तोड़वाने हैं? कैस इमॉर्टल को तो फुल कॉन्फिडेंस था भाई, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ आपके अब्बा के भी अब्बा से ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद उसका पंच जुआन के घुटने से जाकर टकराता है और उसका पंच और घुटना जोर से कांप जाते हैं और एक तेज धमाके की आवाज सुनाई देती, लेकिन जुआन की हड्डी टूटने की आवाज नहीं आती, न ही जुआन की कोई चीख सुनाई देती, जो देखकर कैस इमॉर्टल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और ये देखकर तो वो और भी हैरान होता है कि जुआन पीछे की तरफ उड़ते हुए भी नहीं गया था, बल्कि जुआन तुरंत ही हैवी जुआन रूलर को लेकर एक अटैक करता है और आसमान में स्काई फायर दर्जनों फायर ड्रैगन में बदल जाती है, जो पूरी तरीके से कैस इमॉर्टल को घेर लेती है। दूसरा कैस इमॉर्टल ने पहले ही पंच का अटैक किया था, दूसरा सभी लोग काफी हैरान थे कि जो यान की बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड कैसे हो सकती है। दूसरा कैस इमॉर्टल भी यह कहता है तुम मेरे सामने आने सामने की टक्कर में कैसे लड़ सकते हो, वो भी बिना इंजर्ड हुए, तुम्हारी पावर इतनी ग्रेट कैसे हो सकती है कि मैं तुम्हें पास तुम्हें पीछे तक नहीं धकेल पाया, आखिरकार मेरे पास वारक्राफ्ट फैमिली के किंग का ब्लड है, मेरी ताकत और फिजिकल स्ट्रेंथ किसी भी ट्राइब में बेजोड़ है, कैसे किया तुमने, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो चलो गाइस इसी के साथ अब ये एपिसोड यहीं एंड करेंगे, क्योंकि अभी भी ये फाइट काफी ज्यादा लंबी होने वाली है, तो नेक्स्ट एपिसोड में इस फाइट को कंप्लीट करेंगे। आखिरकार ये अनबीटेबल टैलेंटेड पर्सन के बीच की फाइट है, बट इसे मैं नेक्स्ट एपिसोड पे पूरा ही कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि इनकी फाइट को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, बट हाँ फ्यूचर में इसका काफी ज्यादा मतलब है, क्योंकि ये लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और इस फाइट के बाद ही इनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी होगी, तो काफी सारे अप और डाउन आप लोग को देखने को मिलेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तो बाय बाय थ्री फैमिली।